दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप देखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज के हमारी सेशन में हम बात करेंगे सम इफ्स और सब टोटल के बीच में डिफरेंस, और कैसे सब टोटल को सम इफ्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के अंदर में हमारे पास पर्सन्स नेम है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे नाम लिखा जैसे पूजा, तो मुझे पूजा की टोटल क्वांटिटी का टोटल यहां पे दिखना चाहिए, और मैं इसको सब टोटल एंड सम इफ दोनों से करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं सम इफ्स का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सम इफ्स को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सब टोटल की, बात भी करेंगे इस क्लास में। तो सम इफ्स लगाया, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे कि हम क्या कर रहे हैं। इक्वल सम इफ्स, उसके बाद सबसे पहला बोलता है सम रेंज, तो मैं सीट वन में डेटा में गया और क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। देन क्राइटेरिया वन रेंज, तो क्राइटेरिया वन में हमें नेम को सिलेक्ट करना है, नेम को सिलेक्ट किया और वापस सी टू में आके अपने नेम को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू रेंज में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट में आया और वापस सी टू पे आया और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है क्राइटेरिया थ्री, जो कि हमारी मोड है, सेल्स मोड है, तो डेटा में गया, सेल्स मोड को सिलेक्ट किया और वापस यहाँ पे सेल्स मोड सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे जीरो आया, क्योंकि एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन में मैं प्रोडक्ट कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, रैम, तो यहाँ ऑनलाइन में प्रोडक्ट रैम को सिलेक्ट करता हूँ। और फिर नेम में आता हूँ, नेम में आप यहाँ देखिए पूजा नहीं है, तो बात सही है, अच्छा आया है। तो मैं इसको आगे के लिए बढ़ने से पहले, आगे ड्रैग करने से पहले मैं इसको फ्रीज करूँगा, तो F4 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये एब्सोल्यूट हो जाए जितना भी है। अब यहाँ देखिए B1 फिक्स करना है हमें, A4 का हमारा A फ्रीज करना है, 4 को रहने देना ताकि 4, 5, 6, 7 हो, और यहाँ B3 का मैं 3 फ्रीज करता हूँ ताकि आगे ड्रैग करूँ तो CDEF हो। और हमने इसको फ्रीज किया और फिर आगे पीछे ऊपर नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं। अब मैं यहाँ नेम चेंज करूँगा या ड्रॉप डाउन लगा दूंगा, तो आपका यहाँ पे उस पर्सन के अकॉर्डिंग नेम आएगा। इसी को हम सब टोटल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सब टोटल के साथ हम कैसे करेंगे, चलिए इसको जानते हैं। तो सब टोटल के अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले डेटा को कन्वर्ट करना होगा टेबल में। जी हाँ, टेबल में आपको कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट ये चीज़ें यहाँ से हटा देता, इस यहाँ यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला सब टोटल में हमें चाहिए सम, और यहाँ पे हम अपना रेफरेंस क्वांटिटी हमारा, हमने क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे अपने इस पे, यहाँ डेटा के ऊपर इंसर्ट में या फिर टेबल डिजाइन दोनों में आइए, इंसर्ट स्लाइसर्स। तो स्लाइसर में हमें नेम को सेलेक्ट करना है, हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, हमें सेल्स मोड को सेलेक्ट करना है, एंड ओके। अब इस पे कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करते हुए तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी का कट कर लीजिए, कॉपी में कट कर लीजिए और सीट टू पे आके पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन भी चेंज की जा सकती है।
अब देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट रैन, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन। अब यहाँ ऑनलाइन में यहाँ दिख रहा है योर नीरज का नहीं है, बाकियों का है। मैं अगर मोहन को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ मोहन का डेटा आएगा, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करूँ डायरेक्ट, तो जो भी मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा उसी का डेटा आएगा। और इसके लिए हमने कोई पिवट नहीं लगाया है, हम यहाँ सम का फर्स्ट टोटल का फॉर्मूला लगाया है। तो सब टोटल क्या करता है, पिछली वीडियोज में मैंने बताया कि सब टोटल विजुअल सेल्स को सम करता है। जैसे हमने ऑनलाइन को सिलेक्ट किया तो इसने क्या किया, इस स्लाइसर ने क्या किया, आपके जो टेबल डेटा था उसको सिर्फ ऑनलाइन डेटा को सिलेक्ट कर लिया। और सब टोटल विजुअल्स को सम करता है, हिडन वैल्यू को सम नहीं करता है। तो हिडन वैल्यू को सम नहीं किया जिस कारण से सिर्फ विजुअल को सम हुआ और यहाँ पर आपका इफेक्ट आया। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने पूजा सिलेक्ट किया और प्रोडक्ट में एमबी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका सेम डेटा। ये थी सब टोटल और सम इफ के बीच में डिफरेंस। इसी तरह की हमारे ट्रिकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी सिक्वेंसली वीडियोस के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के लिंक में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ में ऊपर प्ले स्टोर में आप अगर सर्च करते हैं एक्सेल एमआई ट्रेनिंग तो वो भी मिल जाएगा। तो एक्सेल एमआई ट्रेनिंग सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे, ये रहा हमारा आईपीटी का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पूरी सिक्वेंसली वीडियोज मिलेगी, साथ में हमारे मैं चैट सपोर्ट भी दूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ऐप के अंदर चैट पे डाल के मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और चैट सपोर्ट के जरिए आप मेरे साथ लाइव रहिए, कुछ भी डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, थैंक यू।